गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर का नाम है फोर्स वर्क एंड एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, आज हमको वर्क पढ़ना है। वर्क इज डन ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर अ डिस्टेंस ऑन अप्लाइंग फोर्स। इफ़ यू मूव अ टेबल मूव्स एंड अ टेबल मूव्स, वर्क इज डन। बट इवन आफ्टर अप्लाइंग लॉट्स ऑफ ए फोर्स, टेबल डजंट मूव, नो वर्क इज डन। देखिए, वर्क उस वक्त होता है जबकि कोई ऑब्जेक्ट घूमता है और एक तयशुदा मतलब एक दूरी पर उस पर फोर्स अप्लाई करने के बाद, ठीक है, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट घूमेगा एक डिस्टेंस पर। और अगर आप टेबल को घुमाते हैं और टेबल घूमता है तो वर्क उस पर लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई करने के बाद मतलब फोर्स लगाने के बाद टेबल नहीं घूम पाता है तो उस पर वर्क नहीं लगता है। अब देखिए, एक इंसान खुद अपना वर्क लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और एक भारी चीज़ उस पर रख दिया है, तो कहाँ टेबल मूव नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ है मशीन्स। इफ़ यू वॉन्ट टू कट अ पीस ऑफ चार्ट पेपर, वाट विल यू यूज़? You will use a pair of scissors to cut it. Like scissors, there are many other tools that make our task easy. These tools are known as machines. देखिए, अगर आप जो है चार्ट पेपर के टुकड़े को काटना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? तो आप जो है कैंची के पियर यानी कि जोड़े को यूज़ करेंगे उसको काटने के लिए, कैंची को यूज़ करेंगे। तो कैंची की तरह बहुत सारे दूसरी भी औज़ार है जो कि हमारे काम को आसान बनाती है, और इन्हीं औज़ार को हम मशीन कहते हैं। यानी एक सिंपल लैंग्वेज में मशीन हर वो चीज़ है जो हमारे वर्क को इजी कर दे, जो जिसमें हमें कम समय लगता है और हमारा वर्क इजी हो जाता है, उसे हम मशीन कह देते हैं। देखिए, बुलडोज़र है, बाइसाइकिल है, सेविंग मशीन है। टाइप्स ऑफ मशीन्स यानी मशीन के भेद। सम मशीन्स आर वेरी बिग एंड कम्प्लेक्स, सम आर स्मॉल एंड सिंपल। मशीन्स लाइक बुलडोजर, बाइसाइकिल एंड सीविंग मशीन आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल पार्ट्स, दे आर कॉल्ड कम्प्लेक्स मशीन्स। मशीन्स लाइक नीडल, नाइफ, सीजर्स, ओपनर, etc. आर सिंपल मशीन्स, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स। कुछ मशीन बहुत ही बड़ी होती है और कम्प्लेक्स होती है, और कुछ छोटी होती है और सिंपल होती है। मशीन जैसे कि बुलडोजर है, बाइसाइकिल है, सिलाई मशीन है, तो ये सब बहुत छोटे से पार्ट अंग से बने हुए हैं, इनको हम कम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। मशीन्स जैसे कि सुई है, चाकू है, और कैंची है, और ओपनर है, तो इसको हम सिंपल मशीन कहते हैं, ठीक है। और मशीन की जो है अलग अलग टाइप्स होती है सिंपल मशीन की। लीवर मतलब होता है हैंडल। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड डेट रेस्ट ऑन अ सपोर्ट्स विच लिफ्ट और मूव लोड्स। सम एग्जाम्पल ऑफ ए लीवर आर अ ह्यूमर यूज टू अ पुल आउट अ नेल, बोटल ओपनर यूज टू ओपन अ बोटल, पियर ऑफ सीजर एंड प्लेइंग ऑन अ सीसॉ। देखिए, जो हैंडल होता है वो एक लंबा रड होता है जो कि रेस्ट पे होता है, ऑन ए सपोर्ट, एक सहारे पे, जिससे कि हम क्या करते हैं, किसी भी लोड को, बोझ को उठाते हैं या घुमा देते हैं। तो हैंडल का कुछ एग्जांपल है हथौड़ी, जो कि किसी भी चीज़ को खींचने में मदद करती है, किसी भी लोहे की चीज़ को, ठीक है, या किसी भी चीज़ को। और दूसरा क्या है, बोटन ओपनर है जो कि बोटन को खोलने में मदद करता है। और क्या है, कैची, पियर ऑफ सीजर एंड कैची है। और फिर प्लेइंग ऑन सीसा यानी कि वो झूला जो कि ऐसे फ्लैट बना होता है उस पर खेलना है, सब इसका हैंडल का एग्जांपल है। अब देखिए, व्हील एंड एक्सेल यानी पहिया और कीली। इट इज़ मेड अप ऑफ ए व्हील थ्रू द सेंटर ऑफ विच रॉड पासेस कॉल्ड एली। इट हेल्प्स अस टू लिफ्ट एंड मूव लोड। सब एग्जांपल ऑफ अ व्हील एंड एली आर रोलर स्केल्स, डोर नोब्स, बाइसाइकिल पेडल एंड गेंट व्हील। देखिए, पहिया और एली यानी कीली, तो जो
खीली होती है वो पहिया का बना होता है, जहाँ से मतलब उस सेंटर से जहाँ पे रॉड पास होता है उसको ही हम कीली कहते हैं, एली कहते हैं। और ये जो है हमारे बोझ को घुमाने में या उठाने में मदद करता है। और इसका कुछ एग्जाम्पल जो है पहिएदार स्केल्ट से, या फिर दरवाजे का दस्तक है, या फिर साइकिल का पैडल है, या फिर बड़ा सा पहिया है। यानी पहिया मतलब समझ जाते हैं ना, चक्का है, इंक्लाइंड प्लेन। इट इज़ अ स्लोप दैट कनेक्ट्स द लोअर सरफेस विद द अपर सरफेस। इट हेल्प अस टू लिफ्ट हैवी लोड्स टू अ हाइट इजिली। देखिए, ये एक ढलाव है जो कि नीचे से ऊपर के ऊपर तक कनेक्ट, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। नीचे का सतह जो है ऊपर की सतह के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है, जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो है बोझ, भारी बोझ को उठाने में मदद करता है, वो हाइट के साथ आसानी पूर्वक उठा लेता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है रैंप, यानी ढलाव हो गया, स्लाइड, बिछेलाव हो गया, या फिर चलने वाली सीढ़ी हो गई, स्केलेटर्स जो स्टेशन वगैरह पे ज़्यादातर लगी होती है, मॉल वगैरह में भी लगी होती है, साइलेंटेड रोड। पुली, पुली है मतलब होता है चरखी। इट इज़ अ सिंपल मशीन मेड अप ऑफ ए ग्रोव वेल एंड रोप यूज टू अ राइज लोअर अ मूव अ और मूव अ लोड। ये एक सिंपल मशीन है जो कि पहिए से बनी होती है, धारीदार पहिए से और रस्सी से बनी होती है, और जो कि नीचे मतलब नीचे वाले को ऊपर उठाने में मदद करती है, या फिर बोझ को घुमाने में मदद करती है। जो चरखी होती है, ये जो है पानी को ढोने में, कुएं से पानी निकालने में यूज़ होता है, या फिर वेट को क्रान यानी सारस में वेट को उठाने में यूज़ होता है, या झंडा फहराने में यूज़ होता है, या फिर जल यात्रा में जो है इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे।